नमस्कार, स्वागत है आपका एसीपी नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की कुछ खास सुर्खियों पर। देश में पेट्रोल व डीजल 2 से 3 रुपए लीटर तक सस्ता हो सकता है। मार्च से अब तक कच्चे तेल की कीमतें 12% घटी है, इसी वजह से ऑयल कंपनियों का मार्जिन बढ़ा है। क्रूड ऑयल की एवरेज कीमत भी इस महीने कम होकर $74 प्रति बैरल रह गई है। कंपनियों की कमाई पेट्रोल पर 15 रुपए और डीजल पर 12 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है। इससे पहले मार्च 2024 में पेट्रोल डीजल की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर घटाई गई थी। दिल्ली में प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, प्रदूषण की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात है, आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी कार्रवाई सिर्फ कागज पर। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कोर्ट को बताया कि 10,000 से ज्यादा फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA घोटाले में FIR दर्ज की है। बेंगलोर की स्पेशल कोर्ट ने 25 सितंबर को सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त जांच का आदेश दिया था। सिद्धारमैया मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन 3 विकेट खोकर 107 रन बना लिए हैं। पहले दिन कानपुर में बारिश की वजह से सिर्फ 35 ओवर का ही खेल हो सका। आमतौर पर एक दिन में 90 ओवर फेंके जाते हैं। बांग्लादेशी कैप्टन नजमुल हुसैन शांतो 31 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें रविचंद्रन अश्विन ने LBW किया। इसराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में शुक्रवार रात 8 बजे स्पीच दी थी। इसके एक घंटे बाद इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में रिहायशी इलाके पर हमला किया, जिसमें 6 इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई। 2 लोग मारे गए, इनमें से एक हिजबुल्ला का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है। जहाँ हमला हुआ वहाँ हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह मौजूद था। अभी तक पता नहीं चल सका है कि वो मारा गया या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एसीपी नेटवर्क।